सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MK एग्जाम प्रिपरेशन और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम वर्गमूल टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज हम शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको इस टॉपिक से CGPSC व्यापम रेलवे और SSC वगैरह के एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा छूट जाता है क्योंकि उनको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता रहते हैं। तो आज मैं आपको 3 संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर को याद करना ही पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसको आप लोग एक पेज में लिख कर जहाँ पर स्टडी करते हैं वहाँ पर चिपका दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट डिजिट को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए 1 का यूनिट डिजिट 1-9 होता है, 4 का 2-8 होता है, 5 का 5, 6 का 4 और 6, 9 का 3 और 7 होता है। और इसमें 2, 3, 7 और 8 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इनका यूनिट डिजिट यहाँ पे नहीं बनता है। यहाँ पे केवल हम लोग नॉन परफेक्ट वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ देखिए 324 दिया है। तो सबसे पहले इसको 2 का पेयर बनाइए। तो यहाँ पे 21 से स्टार्ट करके 2 को पेयर बना दिया तो 24 का हो गया और 3 यहाँ पे बच गया। अब 24 में इकाई अंक क्या है तो देखिए 4 है, ठीक है। तो 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 और 8 होगा। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो संख्या बचा है 3 उसको लिख देना है और इसका नियरेस्ट स्क्वायर देखना है। तो इसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या होगा? 1 तो 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर। लेकिन हमें नियरेस्ट देखना है और इससे छोटा देखना है। तो अगर 2 का लेते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, मतलब 3 से बड़ा हो गया 4। तो यहाँ पे 1 को लेंगे, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर। अब क्या करना है, ये जो स्क्वायर लिए हैं उसमें 1 ऐड कर देना है। तो कितना हो गया? 2 हो गया। और जो 2 आएगा उसी को फिर उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 बड़ा है जो आया है उस संख्या से। यहाँ पे जो इन दोनों में जो बड़ा रहेगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 आंसर आ गया। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया है जिसको आप 20 से 25 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस करने पर। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो सबसे पहले इसका पेयर बना लेते हैं। इसके इकाई अंक को देखते हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 1 का यूनिट डिजिट होता है 1 और 9। अब 4 को लेंगे। अब 4 का नियरेस्ट स्क्वायर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 का यहाँ पे सीधा 2 आ जा रहा है, 2 का स्क्वायर नियरेस्ट स्क्वायर आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर सीधा आ जा रहा है यहाँ पे। तो अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जो 2 आया है उसमें 1 ऐड करना है। तो कितना हो गया? 3। और फिर वो जो 3 है उसी में वो जो स्क्वायर वाला है जिसका स्क्वायर लिया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ गया? 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 4 से बड़ा हो गया 6। तो इससे पहले क्या था, जो संख्या था हमारा 3 वो बड़ा था जो आया था 2। यहाँ पे जो संख्या आया है 6 वो बड़ा हो गया है कि इससे जो संख्या लिए हैं 4 से। यहाँ पे देखिए हमें छोटा का लेना है आंसर यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा? 21 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है √289। तो सबसे पहले यहाँ पे पेयर बना लीजिए। अब देखिए कि इसका इकाई अंक क्या है? तो 9। तो 9 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 और 7। इसको यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए। अब हमें इस संख्या को लेना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसका नियरेस्ट स्क्वायर देखना है। तो 1 इसका नियरेस्ट स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 इसका नियरेस्ट स्क्वायर हो जाएगा और ये इसी 1 को इसके सामने में लिख दीजिए। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, 1 में 1 और जोड़ देना है। तो क्या आ जाएगा? 2 आएगा। अब फिर इसी में जो स्क्वायर लिए हैं उसको मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ गया? 3 आ गया। दोस्तों इसको अच्छे से रिवाइज़ करिएगा, यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम 2 कंडीशन देख चुके हैं कि अगर बड़ा हो तो बड़ा को आंसर लेंगे, अगर ये संख्या बड़ा हो तो बड़ा का आंसर लेंगे, छोटा हो तो छोटा का आंसर लेंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर हो गए तो इस कंडीशन में क्या करना है? इस कंडीशन में भी बड़ा को आंसर लेना है, छोटा भी नहीं जाना है। याद रखिए अगर बड़ा होगा तो बड़ा का आंसर लेना है और बराबर होगा तो भी बड़ा का आंसर लेना है और छोटा होगा तभी छोटा का आंसर लेना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर रूट
654। तो इसको सबसे पहले दो का पेयर बना लीजिए और इसका इकाई अंक देखिए तो चार है, तो चार का यूनिट डिजिट क्या होगा, दो और आठ। अब छः को लेंगे यहाँ पे, अब छः का नियरेस्ट स्क्वायर देखेंगे तो यहाँ देखिए नौ इससे ज़्यादा हो गया, लेकिन चार मतलब कि दो का स्क्वायर ले सकते हैं तो दो का स्क्वायर ले लीजिए। अब दो का स्क्वायर ले इसमें वन ऐड कीजिए, ठीक है, तो कितना आ गया, तीन आ गया। अब तीन में उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए छः, यहाँ पर देखिए दोनों फिर इक्वल आ गए, तो हमें बड़े वाले को आंसर लेना है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 28। इस टॉपिक से ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग तीन संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ऐसे कुछ संख्या चार संख्याओं और पाँच संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए, और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।